नमस्कार, नेशन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश। बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्म है। जी हां, सियासत इसलिए हो रही क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू और बीजेपी में जिस तरह की जो दुनिया बटी हैं, वो दुनियों का जो असर है साफ तौर पर बिहार में सियासत उस पर चरम पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पार्टियां जमकर इस मामले में चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो लगातार नीतीश कुमार को आगाह करते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जेडीयू को बिहार में खा जाएगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने उसे अपने पार्टी में शामिल कराया, जबकि बजाबते उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराना था। अब इसे लेकर बिहार में सियासत जोर पर है। विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो एक से एक लगातार नीतीश कुमार पर हमले भी किए जा रहे हैं, चुटकी भी ली जा रही है और दोनों पार्टियों पर तंज भी कसा जा रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार का एक बयान जारी किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में जब पार्टी टूटी यानी कि जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए तो नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि मुझे अब मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं रहना है, एनडीए जिसे चाहे सीएम बना दे। इसी बात पर जो बयान है, इसी बयान पर जो बवाल है वो कायम हो गया। और आपको ये बता दें चले कि सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पार्टी इस पर जमकर चुटकी लेते नजर आए। सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष कैसे कई सारे नेता जेडीयू की हम बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी टूटी है अरुणाचल प्रदेश में, जेडीयू के कई सारे बड़े और कद्दावर नेता, उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो किया वो सही नहीं किया। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा। इस बीच तेज प्रताप यादव का एक बयान आया है, उन्होंने बयान दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ और साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं वो सलाह और मशवरा भी देते नजर आए कि अब तो देख लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। मैं आपको बता दे चलूं कि तेज प्रताप यादव ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के लिए लिखा कि दबी हुई गर्दन से कल सुनी एक आवाज, थोड़ी अंतरात्मा की भी सुन लेते सरकार। और ये जो उन्होंने कोट इस्तेमाल किया है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए साफ साफ संकेत देते नजर आ रहे कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लीजिए। जी हाँ, ये तेज प्रताप यादव बोलते नजर आ रहे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि ऐसे समय में हर कोई नीतीश कुमार की ओर देख रहा है कि कैसे नीतीश कुमार बेबस, लाचार, मजबूर बैठे हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। मुख्यमंत्री का ओहदा तो मिल गया लेकिन शायद उनके पास वो अधिकार अब नहीं रह गए जो उनके पास पहले थे। और इसी को लेकर विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं लगातार तंज कस रहे हैं, नीतीश कुमार को नसीहत दे रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि उनके हमले से, उनकी कड़ी निंदा वाले शब्दों से शायद नीतीश कुमार के स्वभाव में कुछ बदलाव आए और एक बार फिर से वो महागठबंधन की तरफ रुख करें। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो किसी के रहमों पर बने हैं, उन्हें अपनी अंतर आत्मा की आवाज को देखना होगा, सुनना होगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा तेज प्रताप यादव ने एक मीडिया से मुखातिब होते हुए कि उनकी जो मर्जी है क्या वो वही करेंगे, क्या उनके मन के मुताबिक बिहार चलेगा, अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि किसी के कहने पर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो ये सीधा गलत है, किसी के कहने पर बिहार नहीं चलेगा, किसी के कहने पर देश का विकास नहीं होगा, देश और बिहार चाहे कोई भी राज्य नीतियों से चलती है, नियमों से चलती है और जो नीतीश कुमार ने किया है वो बिहार को, देश को अंधकार में रखने का काम किया है। इस तरीके का जो जवाब है, इस तरीके का जो बयान है वो तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार के लिए देते नजर आए। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में नीतीश कुमार गद्दी छोड़ते हैं या फिर एनडीए में वाकई में जो भूचाल है वो देखा जाता है। और इस पर आरजेडी भी लगातार अपनी जो नजर है वो बनाए रखी है। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।